गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो है काफी सारे लोग ASMT 10 के नोटिसेस का सामना कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके की वेरिफिकेशंस में मिले गए आपको जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो दिखाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेके, और वो भी 17-18 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर के। एक्चुअली हो क्या रहा है समझिएगा इस चीज को, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप भी अगर ये गलती कर गए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर 16-4 का जो एप्लीकेशन है वो हो जाएगा। नॉर्मली जब हम लोग सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 पढ़ते हैं तो वो जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 है वो आपको पढ़ना है फ्रॉम द एंगल ऑफ रेसिपिएंट या फिर परचेजर। सर क्या मतलब? लेट सपोज एक बंदा है ए, जिसने 17-18 में जिसने 17-18 में इनवॉइसेस लिए, गुड्स परचेज किया, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम करना भूल जाता है, तो 16-4 उस टाइम पे 17-18 के टाइम पे ये कहता था कि आपको कोई भी इनवॉइस या डेबिट नोट का ITC जो है 17-18 के रिस्पेक्ट में वो कब तक ले लेना है, 20 अक्टूबर 2018 तक, यानी कि सितंबर 18 की 3B की ड्यू डेट या उससे पहले पहले कर देना है। अब यहां पर हो क्या रहा है? अब यहां पर हो ये रहा है कि जब ये फर्स्ट ईयर ऑफ GST इंप्लीमेंटेशन आया तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, ये जो 20 अक्टूबर वाली टाइम पीरियड है, उसे एक्सटेंड किया गया था 2019 की GSTR 3B की ड्यू डेट तक। अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो रही है कि ये जो ए है ये अपने 17-18 के इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट 20 अक्टूबर 2018 या उससे पहले क्लेम नहीं कर पाता है, और जब ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशू किया गया कि 2018 के बाद यानी कि 20 अक्टूबर के बाद भी आप ले पाएंगे, तो इसने लेट सपोज 1 मार्च 2019 को ITC जो है वो क्लेम कर लिया और ये मान बैठा कि भैया हमने 1 मार्च 2019 को ITC ले लिया तो हमने सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के टाइम पीरियड को फॉलो किया है, क्योंकि आपको ये पता है 16-4 के लिए रिसीवर को देखना है कि हमने जो टाइम पीरियड 16-4 के अंदर दी गई है उसको फॉलो किया या नहीं। लेकिन यहां पर 17-18 की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको एक पॉइंट ये समझना होगा उस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के अंदर, जो बाद में जीएसटी के अंदर अमेंड भी किया गया प्रोविजन, उसमें ये लिखा कि अगर आप 20 अक्टूबर 2018 के बाद ITC क्लेम करते हैं उस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, तो आपका क्लेम किया जाना सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि उस इनवॉइस का जो सप्लायर है वो सप्लायर भी अपनी GSTR 1 जो टाइम पीरियड उस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के अंदर दिया गया उस टाइम पीरियड के रहते रहते अपलोड कर दिया होना चाहिए। तो इस पॉइंट को लेकर के काफी ज्यादा लोग जो है वो कंफ्यूज हैं कि सप्लायर की एंगल की वजह से हमारा ITC क्यों डिसलाव हो रहा है 16-4। हुआ क्या, 1 मार्च में जो परचेजर है उसने ITC क्लेम कर लिया। अब जब डिपार्टमेंट उसका स्क्रूटनी करता है तो वो ये पाता है कि उसने ITC तो 1 मार्च को ले लिया, लेकिन वो जो इनवॉइस है वो उसके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में अपलोड कब करा है, 30 मई 2019 को, लेट सपोज। तो यहां पर आपको इस एक्सटेंडेड पीरियड का बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है। ये सारी बात सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर इन्होंने लिख के बताई है, और ये एक पैरामीटर इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है स्क्रूटनी के लिए। अगर आप इस पैरामीटर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसमें सेक्शन 16(4) की बात करी गई है, उसमें ये बात लिखी गई है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 किस चीज की बात करता है, और जीएसटी के
जो अदर सेक्शंस हैं उसमें क्या बातें लिखी गई हैं, अगर आपको डिटेल्ड में समझना है तो आप हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जीएसटी के हर एक सेक्शंस को डिटेल्ड में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स की एनरोलमेंट डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक के जरिए भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको ये सारी कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल करा दी गई। अब अगर यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो ये इंस्ट्रक्शन जो आया है, ये जो पैरामीटर है ये क्या है, वेदर जीएसटीआर 3B ऑफ अ टैक्स पीरियड इज फाइल्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट एज पर 16/4 के बाद आपने फाइल किया 3B, तो आईटीसी जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 16/4 ऑफ सीजीएसटी प्रोवाइड्स फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ओनली टिल द ड्यू डेट ऑफ 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच आईटीसी पर्टेन्स और फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर। ये चूंकि 17/18 की बात हो रही है तो उस टाइम पे यही प्रोविजन थे, अब ये डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 नवंबर तक के लिए, उसमें अभी नहीं जा रहे। Accordingly, if any 3B is furnished after such time by the registered person, any ITC availed therein is admissible. नहीं होगा। यानी कि अगर 17/18 की कोई भी रिटर्न सितंबर के बाद फाइल करी गई है तो ITC नहीं देंगे, ये जनरल रूल। उसके बाद प्रोविजो जो इंसर्ट किया गया था 16/4 में फॉर 17/18 स्पेसिफिक ईयर है 17/18, इसमें ये लिखा गया कि अवेलमेंट ऑफ ITC वॉज अलाउड beyond the due date of furnishing of return for the month of September till the due date of furnishing of return in 3B for the month of March 19. यानी कि सितंबर 18 की ड्यू डेट वाली कंडीशन को एक्सटेंड किया गया था और एक्सटेंड करके ये कहा गया कि आप मार्च 19 की जो GSTR 3B की ड्यू डेट है यानी कि 20 अप्रैल 2019 या उससे पहले भी 17/18 का ITC ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है वो इन्होंने साथ में लिखी, वो देखिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द डिटेल्स ऑफ द सेड इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स शुड हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर्स इन देयर GSTR 1 टिल द ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 19। यानी कि अगर आप इस एक्सटेंडेड पीरियड का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपका जो सप्लायर है वो GSTR 1 जो है वो 11 अप्रैल 2019 या उससे पहले फाइल कर दिया हो तभी आपको इस एक्सटेंडेड पीरियड का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज 16/4 का नॉन कंप्लायंस बताते हुए आपके ITC को इनएडमिसिबल डिसअलाउ कर दिया जा रहा है 16/4 के अंदर। तो यहां पर रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों की फाइलिंग आपको चेक करनी है अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड का बेनिफिट जो है वो लेना चाहते हैं। काफी लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो आप इस चीज की कंफ्यूजन जो हैं उसे दूर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा और अगर आपको ऐसी कोई नोटिसेज आई हैं तो आप अकॉर्डिंगली जो है उसका रिप्लाई बना करके दे पाएंगे कि आपने एक्चुअली में क्या फाइलिंग करी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।